आरजेडी कार्यकर्ता प्रखंड मुख्यालय पर धरना की अनुमति नहीं मिली तो निजी जमीन पर किया धरना प्रदर्शन। जी हां, दल सिंह सराय समस्तीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दल सिंह सराय प्रखंड के प्रांगण में धरना प्रदर्शन पहले से घोषणा किया था, लेकिन प्रखंड प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं देने के कारण निजी जमीन में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि राजन का परवर नियोजित कार्यक्रम सरकार के द्वारा लागू नियम एनआरसी सीएए और एनआरपी के खिलाफ प्रत्येक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन दल सिंह सराय प्रखंड मुख्यालय पर राजद कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने निजी भूमि पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा किसी भी हालत में सरकार के द्वारा यह कानून नियम लागू नहीं करने की बात कही। उन्होंने बताया कि जनहित को देखते हुए, जनता की भावनाओं को समझते हुए इस काला कानून को रद्द किया जाए। वहीं कार्यक्रम प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जाबिर हुसैन के नेतृत्व में तथा संचालन पूर्व प्रखंड अध्यक्ष नंदकिशोर महतो ने किया। सभा को प्रदेश सचिव चंदनी प्रसाद, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव कामिनी देवी, जिला महासचिव महेंद्र कुमार, जिला सचिव राकेश कुमार, मीडिया प्रभारी राजदीपक रामदेव, मंजू देवी, देवेंद्र राम, गीतांजलि देवी, शोभा देवी, राम आशीष दास, अर्जुन राम, दाऊद रशी, रंजन मोहम्मद मुख्तार एवं प्रत्येक पंचायत के पंचायत अध्यक्ष आदि ने संबोधित किया। बिहार के समस्तीपुर से हमारे क्या नाम हुआ सर आपका? मैं नंद किशोर महतोपुर प्रखंड राजद अध्यक्ष। आज जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? आज सी ए एन सी आर और एन पी आर के विरोध में हम लोग आज धरना पर हैं, प्रदेश राजद के आह्वान पर। और खासकर आज दुर्भाग्य की बात है, यह निरंकुश सरकार, हम लोगों ने धरना के लिए अनुमति आवेदन भी दिया था, लेकिन हम लोगों को अनुमति प्रखंड मुख्यालय में नहीं मिला, जिसके कारण मैं आज निजी जमीन पर यह धरना कार्यक्रम कर रहा हूँ। यह सरकार आम जन की आवाज़ को दबाना चाहती है और सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए मैंने धरना का कार्यक्रम किया था। बिहार में जो आज मुजफ्फरपुर सहित 17 बालिका गृह में जो कांड हुआ, जिसमें बिहार सरकार के आला पदाधिकारी 25 IAS और 46 प्रशासनिक पदाधिकारी जो इसमें लापरवाही और उनकी संलिप्तता उजागर हुई है, जिसकी जांच रिपोर्ट की प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समर्पित किया गया है CBI के द्वारा, और CBI पर अंकुश लगा के उन सफ़ेद पोषों को जो वंचित किया गया है, उसका भी विरोध मैं इस धरना के माध्यम से कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ बिहार के जो 33 पदाधिकारी जिनके ऊपर निगरानी को साक्ष्य मिला है भ्रष्टाचार का के आरोप का, जिस पर कार्रवाई के लिए निगरानी ने बिहार सरकार से अनुमति मांगा है, बिहार सरकार उन पदाधिकारी भ्रष्ट पदाधिकारियों को बचाव की मुद्रा में उसका टाल मटोल कर रही है, अनुमति नहीं दे रही है। इसके लिए मैं इस धरना के माध्यम से सरकार से मांग कर रहा हूँ, महामहिम राज्यपाल से आग्रह करने के, हम शिष्टमंडल लेके जाके आग्रह करेंगे कि आप स्वतः अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करें, अनुमति दें और सरकार जो अक्षम सरकार है इसको बर्खास्त करें, क्योंकि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इसके लिए हम लोग आज धरना पर, राज्यव्यापी धरना पर हैं।